हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का जो इंग्लिश बुक है उसी का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 इज़ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो विल डू द क्वेश्चन आंसर हेयर। लेट्स सी, these are the solutions of chapter number 1, okay? Understanding the text, यहाँ आप देख सकते हैं question पूछा गया है पहले chapter में। The first question is, ध्यान देंगे बच्चों, the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad। यानी खुशवंत सिंह जब अब्रोड यानी कि विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो उससे पहले के उनके थ्री फेजेस के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। आइए देखें, द थ्री फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रोड आर, जो तीन फेजेस था उनके जीवन का, जैसा कि उन्होंने अपनी दादी माँ के साथ गुजारा था, ठीक है, उसको तीन तरह से दिया गया है। थ्री फेजेज आर हेयर। लेट्स सी, द फर्स्ट फेज चाइल्डहुड, जब वो बच्चे थे उस समय उनका दादी माँ के साथ कैसा रिलेशन था, आइए देखें। व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी एंड शी वेंट टू स्कूल विद हिम, जब वो बच्चे थे और गाँव के ही एक स्कूल में जाया करते थे तो उनकी दादी माँ तैयार होने में उनकी मदद करती थी और उनके साथ साथ स्कूल भी जाया करती थी, राइट। दिस वॉज द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज इज़ बॉयहुड, बॉयहुड है दूसरा फेज। व्हेन द ऑथर वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस, ही शेयर्ड अ रूम विद हर ग्रैंड मदर बट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, जब ऑथर खुशवंत सिंह सिटी स्कूल में जाया करते थे एक बस में, तो ही शेयर्ड अ रूम विद हर ग्रैंड मदर, तो उस समय वह अपने दादी माँ के साथ एक ही रूम में रहते थे। बट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, लेकिन चूँकि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो वह ऑथर का मदद नहीं कर सकती थी। एंड द थर्ड एंड लास्ट फेज अर्ली यूथ, अर्ली यूथ यानी कि 14-15 वर्ष जब हो जाता है तो उस समय लेखक को जो है कैसे मदद करती हैं उनकी दादी माँ। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वॉज प्रोवाइडेड हिम विद अ सेपरेटेड रूम, जब वो कॉलेज जाने लगते हैं तो उनको एक सेपरेट रूम जो है प्रोवाइड किया जाता है कि बेटा तुम इसमें रहो, यही तुम्हारा कमरा है और यहीं पर तुमको सारा कुछ पढ़ाई लिखाई सब चीज़ करना है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिकम रादर वीक, अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि दादी माँ और लेखक के बीच जो संबंध था उसमें थोड़ा सा दरार आ जाता है, मतलब दूरियां जो है बढ़ती चली जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, थ्री रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तीन रीजंस यहाँ बताना है कि ऑथर की दादी माँ वॉज डिस्टर्ब्ड, जब वो सिटी स्कूल में जाने लगते हैं ऑथर, तो उनकी दादी माँ किस प्रकार से डिस्टर्ब हो जाती है, आइए देखें। लेट्स सी दिस, द थ्री रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल आर, जब ऑथर सिटी स्कूल जाने लगते हैं तो उनकी दादी माँ किस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, उनका माइंड कैसे डिस्टर्ब हो जाता है। हेयर आर द थ्री रीजंस। द फर्स्ट वन इज़ शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, वह वेस्टर्न साइंस को और वहाँ के लर्निंग स्टाइल को बिल्कुल वो हेट करती थी, घृणा करती थी कि नहीं ये यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट मीट फॉर दी पीपल ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज शी बिकेम सैड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स देयर, इस बात में भी से भी उनको बुरा लगता था कि उस स्कूल में यानी कि सिटी स्कूल में
गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में, या ईश्वर की जो स्क्रिप्चर्स होती है, जो पौराणिक ग्रंथ वगैरह होता है, जैसे गीता, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सब, तो इन सब के बारे में आखिर बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी जाती है? तो इससे भी थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इज शी डिडंट लाइक म्यूज़िक, उन्हें म्यूज़िक पसंद नहीं था। शी थॉट इट वॉज नॉट मीट फॉर जेंटल फॉर, उसे म्यूज़िक पसंद नहीं था, उन्हें, उनकी दादी माँ को, और उनका यह सोचना था कि दिस इज़ नॉट मीट फॉर जेंटल फॉक, यानी कि ये आम जनता के लिए, साधारण जनता के लिए या लोगों के लिए अच्छा नहीं है। राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रीव अप, जब लेखक जब बड़े हो जाते हैं तो किस 3 तरीका बताना है कि दादी माँ अपना लाइफ कैसे बिताती हैं। ओके, लेट्स सी द 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप आर, 3 तरीके जो कि दादी माँ ऑथर के बड़े हो जाने के बाद वो करती हैं, कौन कौन सा? पहला है शी लिव्ड अलोन इन हर रूम, जब ऑथर बड़े हो जाते हैं तो वह अपने कमरे में अकेला रहने लगती है। राइट, नेक्स्ट शी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, वह हमेशा अपने स्पिनिंग व्हील पे, चरखा पर बैठ करके सूत काटती रहती है और प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती है, दोहराते रहती है। नेक्स्ट शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में, दोपहर के समय में वो आधे घंटे तक अपने बहुत सारे, ढेर सारे स्पैरोज़ को कुछ दाना वगैरह जो है देती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपको यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरा स्ट्रेंथ है। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।